वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे? लास्ट टॉपिक जब अपन कर रहे थे उस टाइम पे टेक्निकल एरर की वजह से क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर अपनी आधी कंप्लीट हुई थी, तो जो उसी को अपन क्या है कंटिन्यू करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या अपन एक बार समराइज कर लेते हैं पीछे के लेक्चर को। पीछे के लेक्चर में अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया था। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है? कंटिन्यूस विद द स्टमक एट द पैरेलिक स्पिंचर। जो अपना पैरेलिक स्पिंचर है उससे क्या है, वो उसका जो स्टमक का जो अपर पार्ट है वो क्या है कनेक्ट रहता है, और जो लोअर पार्ट जो है वो किससे कनेक्ट रहता है? अपना लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। और यहाँ पे कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है? अपना इलियोसिकल वॉल जो है वो क्या है प्रेजेंट रहता है। इट इज ए लिटिल ओवर 5 मीटर लॉन्ग एंड लाइज इन द अबडोमिनल केविटी। ये क्या है अपनी 5 मीटर की क्या है लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अबडोमिनल केविटी के अंदर क्या है प्रेजेंट रहती है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट एंड मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। यहाँ पे क्या है केमिकल डाइजेशन के केमिकल डाइजेशन और अपना जो क्या है अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है? अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी के अंदर क्या है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या है डायग्राम है, इसके अंदर अपने किए हैं कौन से ऑर्गन एसोसिएट रहते हैं वो चीजें दिखाई गई हैं। ड्यूडिनम और इससे रिलेटेड जो इसके साथ साथ कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है तीन सेक्शन के अंदर क्या है डिवाइडेड रहती है। कौन से सेक्शन है? ड्यूडिनम है, जेजुनम है और इलियम है। ड्यूडिनम जो है वो किससे कनेक्ट रहता है पैरेलिक स्पिंचर से, और जो इलियम है वो किससे रहता है इलियोसिकल वॉल से क्या है कनेक्ट रहता है। ये क्या है स्टमक से कनेक्ट रहता है, और ये जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उससे कनेक्ट रहता है। जो ड्यूडिनम है वो क्या है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग की क्या है कि कर्व अराउंड क्या है स्ट्रक्चर होती है। सिक्रेशन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर पैनक्रियास आर रिलीज इन टू द ड्यूडिनम थ्रू द कॉमन स्ट्रक्चर। क्या है यहाँ पे सिक्रेशन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का सिक्रेशन है और पैनक्रियास का जो सिक्रेशन है वो क्या है रिलीज होते हैं कहाँ से? ड्यूडिनम के थ्रू। ठीक है, ड्यूडिनम के साथ क्या है कॉमन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला होता है। और हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला की ओपनिंग कहाँ पे होती है? जो अपनी हेपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंचर जो है वहाँ पे क्या है उसकी ओपनिंग होती है। यहां से क्या है सिक्रेशन होता है। जेजुनम और जो अपना इलियम है उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है कौन से ऑर्गन उनके साथ क्या है कनेक्ट रहते हैं वो अपने
इस डायग्राम के अंदर शो किए गए हैं। जेजुनम जो है वो क्या है, मिडिल सेक्शन होता है। जेजुनम क्या है, मिडिल सेक्शन होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, अबाउट 2 मीटर क्या है इसकी लेंथ होती है। इसके बाद क्या है, इलियम है। इलियम क्या है, टर्मिनल सेक्शन होता है। इसकी क्या है, 3 सेंटीमीटर क्या है ये लॉन्ग होता है। जो इसका एंड पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहता है, इलियोसिकल वॉल से कनेक्ट रहता है। कैसे कनेक्ट करके रखता है ये अपने को, अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे कनेक्ट करके रखता है। और यहाँ पे जो बैक फ्लो और जो गैसेज है उनसे क्या है वो प्रिवेंट करता है अपने को। देन आफ्टर अपनी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है, 4 लेयर के अंदर ही क्या है बनी रहती है। और वही 4 लेयर क्या है, सभी जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। बट जो पेरिटोनियम और जो म्यूकोसा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है, उनके अंदर क्या है कुछ मॉडिफिकेशन है, उनके अंदर कुछ चेंजेज हैं। तो उन दो के बारे में यहाँ पे स्पेशली डिस्कस किया जा रहा है। सबसे क्या है, पहले क्या है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, एक डबल लेयर है किसकी, पेरिटोनियम की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेजेंट्री बोलते हैं। ये किससे कनेक्ट रहती है, जेजुनम एंड इलियम से क्या है ये कनेक्ट रहती है। कहाँ पे, जो अपना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहां पे। द लार्ज ब्लड वेसल्स एंड नर्व लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द ब्रांचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन पास बिटवीन द 2 लेयर ऑफ मेजेंट्री। द लार्ज ब्लड वेसल्स एंड नर्व लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो अपनी लार्ज ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व है वो कहाँ पे लाइज होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे क्या है लाइज होती है। एंड द ब्रांचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन पास बिटवीन द 2 लेयर ऑफ मेजेंट्री। और ये कहाँ कहाँ से पास होती है, जो अपनी पेरिटोनियम की जो 2 लेयर है वहीं से क्या है ये जो बाकी की जो ब्लड वेसल्स है नर्व है ये क्या है पास होती है। देन आफ्टर क्या है, सेकेंड जो है अपनी क्या है, म्यूकोसा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा इज ग्रेजुअली इंक्रीज बाई परमानेंट सर्कुलर फोल्ड विलाई और माइक्रोविलाई। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, विलाई और माइक्रोविलाई। द विलाई आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो विलाई है वो क्या है, अपनी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है लाइक of the mucosal layer into the intestinal lumen about 0.5 to 1 mm long। जो विलाई वो क्या है, जो अपनी लिटिल फिंगर होती है उसके लायक क्या प्रोजेक्शन होती है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और कहाँ, और इनकी साइज क्या होती है, जीरो पॉइंट फाइव टू वन एम एम क्या है इनकी साइज होती है। Their wall consists of columnar epithelial cell or endosite with the tiny microvilli on their free border. Their wall consists of columnar epithelial cells. जो walls हैं वो किससे मिलके बनती हैं? Columnar epithelial जो cells हैं उनसे क्या है मिलके बनती हैं। और साथ में क्या endosite with endosite के साथ क्या जो micro tiny microvilli जो हैं टिन्नी माइक्रो विलाई की जो स्ट्रक्चर की साइज है वो कितनी होती है, 1 μm लॉन्ग सी ये स्ट्रक्चर होती है।
Globital cell that secrete mucus are interposed between the anterior side. जो यहाँ पे जो सेल्स है वो क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करती है. दीज एपिथिलियम सेल एनक्लोज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज. जो एपिथिलियल सेल्स हैं वो किससे एनक्लोज रहती हैं, जो नेटवर्क है अपना किसका, ब्लड, और जो अपने लिम्फ कैपिलरीज जो है उनका क्या है, जो नेटवर्क है उनसे क्या है वो कनेक्ट रहती हैं. द लिम्फ कैपिलरी आर कॉल्ड लेक्टिकल बिकॉज ऑफ जो फैट गिव द लिम्फ मिल्की अपीयरेंस. जो मिल्की अपीयरेंस जो देते हैं वो लैक्टिशियन जो है, लेक्टल बोल सकते हैं उसको अपन, जो लिम्फ कैपिलरीज है उनको क्या बोलते हैं, लेक्टल. अब्जॉर्प्शन एंड सम फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन द एंटीरियर साइड बिफोर एंटरिंग द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज. ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो ब्लड सप्लाई कौन करता है, जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करती है, जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्या है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है. यानी कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कराता है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को, मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है. वीनस ड्रेनेज की बात करें तो जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है वो क्या करती है, अब यहाँ से वीनस ड्रेनेज करती है, ब्लड रिसीव करती है और कहाँ पे छोड़ती है, ले जाके पोर्टल वेन के अंदर क्या है, छोड़ती है. तो आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है, मेजेंट्रिक आर्टरी करती है, और विनस ड्रेनेज कौन करता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है वो क्या करती है, विनस ड्रेनेज करती है, जो किसका पार्ट है, अपने पोर्टल वेन का पार्ट है. नर्व सप्लाई की अगर अपन बात करें तो नर्व सप्लाई कौन करता है, यहाँ पे
सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक दोनों टाइप से क्या है यहाँ पे नर्व सप्लाई होती है। देन आफ्टर क्या था अपना इंटेस्टिनल जूस अबाउट 1.5 लीटर ऑफ इंटेस्टिनल जूस आर सीक्रेट बाय द डेली ग्लैंड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कौन सीक्रेट करता है अपने इंटेस्टाइन जो है वो पर डे 1500 ml जो जूस है वो सीक्रेट करती है। बनता किस किस चीज से है वॉटर म्यूकस मिनरल साल्ट एंजाइम एंटीरियर पेप्टाइड जो है एंजाइम और इसका पीएच कितना होता है 7.8 से 8 यानी कि जो अपना इंटेस्टाइन में जूस है वो कौन सीक्रेट करता है जो अपनी इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है अपनी इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती है और इसका जो 1.5 लीटर जो है पर डे वो क्या है सीक्रेट करती है। इसके कंटेंट कौन से हैं किन किन चीजों से मिलके ये इंटेस्टाइनल जूस बना होता है इसके अंदर क्या है वाटर प्रेजेंट होता है म्यूकस प्रेजेंट होता है मिनरल साल्ट प्रेजेंट होते हैं एंजाइम कौन सा होता है एंटीरियोपेप्टाइड जो है एंटीरियोकाइनेज जो है वो क्या है इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट रहता है और इसका पीएच कितना होता है 7.8 से लेके 8 तक क्या है इसका पीएच होता है। फंक्शन क्या क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ इस कंसिस्ट विच प्रोड्यूस बाय पेरिस्टाल्सिस जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स हैं वो सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीटेशन ऑफ केमिकल डाइजेशन एंड कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटेशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट प्रोजेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द माइक्रोब्स दैट हैव सर्वाइव्ड द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोराइड एसिड इन द स्टमक बाय द स्लॉटली लिम्फ फॉलिकल्स एंड एग्रीगेटेड लिम्फ फॉलिकल्स। क्या है यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो क्या है उनको कंसिस्ट वो होते हैं सिक्रेशन होता है इंटेस्टाइनल जूस का केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है इन्फेक्शन से माइक्रोब से बचाता है सेरेटिन और जो अपना सीसी के हार्मोन है उसको सीक्रेट करते हैं।
एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन एसिड पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज मिक्स विद पैनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस एंड कंटेंट विद द एंटीरियर साइट्स ऑफ द विलाई। जब क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पास क्या है फूड आता है और वो क्या है मिक्स होता है किसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, बाइल के अंदर और इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर क्या है मिक्स हो जाता है एंड इज इन कनेक्ट विद द एंटीरियर साइट ऑफ द विलाई और जो अपने विलाई की जो एंटीरियर साइट्स है उनके साथ क्या है वो कनेक्ट होता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ द न्यूट्रिशन इज कंप्लीट। जो अपने सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या है जो भी डाइजेशन है वो क्या है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेक डाउन टू द मोनोसेकेराइड। जो अपने कार्बोहाइड्रेट है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होंगे जो अपने मोनोसेकेराइड है उसके अंदर क्या है अपने कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। प्रोटीन आर ब्रेक डाउन टू अमीनो एसिड। जो प्रोटीन्स है वो क्या है अपने अमीनो एसिड के अंदर क्या है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फैट जो है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर क्या है ब्रेक डाउन हो जाती है। तो केमिकल डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा जो भी फूड कंटेंट है वो क्या है यहाँ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वहां पे उसके बाद किससे मिक्स होगा वो पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होगा, बाइल के साथ मिक्स होगा और जो अपना इंटेस्टाइनल जूस जो है जो अपने इंटेस्टाइन ने सीक्रेट किया था उसके साथ क्या है मिक्स होगा। देन आफ्टर किसके कॉन्टेक्ट में आएगा जो अपने विलाई के जो एंटीरियर साइट्स हैं उनके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है ऑलमोस्ट जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या है कंप्लीट करती है उनके डाइजेशन को कंप्लीट करती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन जो है वो क्या होगा अपना ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो फैट है वो किसके अंदर हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर क्या है ब्रेक डाउन हो जाएगा। देन आफ्टर क्या था अपना पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस इंटर द ड्यूडिनम एट द हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से होता है अपना सीक्रेट होता है जो अपना हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला जो है वहां से क्या है अपना पैनक्रियाटिक जूस है वो अपने को मिलता है। तो कंसिस्ट किन किन चीजों से होता है बनता किन किन चीजों से वाटर से मिनरल साल्ट प्रेजेंट है एंजाइम है एंजाइम कौन से होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज और लाइपेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिनोजन पेप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइज ये क्या है इनएक्टिव एंजाइम्स हैं और ये क्या है अपने एंजाइम एक्टिव है कौन से अमाइलेज और लाइपेज वाटर और मिनरल साल्ट इसके अंदर क्या है प्रेजेंट रहता है। जो अपने इनएक्टिव सबसे पहले क्या है कहां से सीक्रेट होता है हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला से हो रहा है बनता किन किन चीजों से है वाटर से बनता है मिनरल साल्ट है एंजाइम्स के अंदर कौन से हैं एक्टिव एंजाइम है वो क्या है अमाइलेज लाइपेज होता है। इनएक्टिव एंजाइम के ऊपर अपन बात करें तो ट्रिप्सिनोजन है ठीक है
प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड पेप्टाइड है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये क्या है अपने इनएक्टिव एंजाइम है। पैनक्रेटिक जूस है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, इसका पीएच कितना होता है 8 होता है। बिकॉज इच कंटिन्यूअस सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयन विच आर एल्कलाइन इन सॉल्यूशन, ये क्या है किससे कंटिन्यूअस सिग्निफिकेंट क्वांटिटी इसमें किसकी रहती है, बाइकार्बोनेट आयन की रहती है, और बाइकार्बोनेट आयन क्या है एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। When acid stomach content enter in the duodenum, they are mixed with pancreatic juice and bile, and the pH is raised to between 6 and 8. This is the pH at which the pancreatic enzyme amylase and lipase act most effectively. इस pH पे क्या pancreatic enzyme जो अपने lipase और अमाइलेज है वो क्या है मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है फंक्शन। फंक्शन में क्या है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या है डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का क्या हो रहा है डाइजेशन हो रहा है, ये क्या है इसके तीन फंक्शन है। देन आफ्टर क्या है कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन, द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द सेरेटिन एंड सीसीके, ये क्या है इसका सिक्रेशन के कौन कंट्रोल करता है, कौन स्टिमुलेट करता है, सेरेटिन और सीसीके जो है वो क्या है स्टिमुलेशन करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं स्टिमुलेशन को, और वो कहाँ से सिक्रेट होता है स्टिमुलेशन इनका एंडोक्राइन सेल से, और ये कहाँ पे है इन द वॉल ऑफ द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर जो अपनी एंडोक्राइन सेल्स है वो क्या करती है सीसीके और सेरेटोनिन को सिक्रेट करती है, ये किसको स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। द प्रेजेंस इन द ड्यूडिनम ऑफ द एसिड मटेरियल फ्रॉम द स्टमक स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन, जो अपने पैनक्रियाज के ड्यूडिनम जो है इसके अंदर क्या है जो एसिडिक मटेरियल है एसिडिक फ्रॉम द स्टमक स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन, वो क्या है इसके लिए हॉर्मोन के प्रोडक्शन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है।
थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में जिस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे वो क्या होगा अपना, बाइल।